Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hu Faruk Ahmet. Teacher James Gundi Seyda. Aaj main shuru karne ja raha hu class 4 subject mathematics chapter number 2 long and short. Topic hai hamara long jump. To isme hai page number 19 pe aap dekh sakte hain ki here are the Indian and world record for some jumps. Yani kuch Indian aur kuch world record hain. कुछ लोगों ने जंप किए हैं हाई जंप और लॉन्ग जंप तो इंडियन रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो ये दर्ज किया गया है स्पोर्ट्स ये पीछे दी गई है हाई जंप कहते हैं ऊपर उठ के जंप करना और इसी तरह है लॉन्ग जंप क्या होता है इस तरह यानी सीधा जंप करना तो इसमें पहला है सपोर्ट हाई जंप मेन यानी आदमी उसका नाम है जावीर एस इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर और इंडियन रिकॉर्ड क्या है चंद्रपाल का 2 मीटर 17 सेंटीमीटर इसी तरह है लॉन्ग जंप मेन लॉन्ग जंप है एक आदमी माइक पी जिसका नाम है इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर और इंडियन रिकॉर्ड ये दूसरा है अमृतपाल 8 मीटर 8 सेंटीमीटर इसी तरह है हाई जंप वुमेन है स्टिफका जिसका नाम है स्टिफका के वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका 2 मीटर 90 सेंटीमीटर इंडियन रिकॉर्ड है बॉबी ए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर इसी तरह है लॉन्ग जंप दूसरी वुमेन है गलीना सी 7 मीटर 52 सेंटीमीटर और अंजू जी 6 मीटर 83 सेंटीमीटर तो आप देख सकते हैं हम जिस तरह यानी जे जावीर इसका कितना है जे का ये आ गया 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर तो ये जो है किस तरह है 2 मीटर किसके बराबर आएगा यानी 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर अब 2 मीटर जो है तो 200 सेंटीमीटर ये किसके बराबर आएगा अब ये आएगा 2 मीटर हो गया 200 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर में जब हम ले जाएंगे 2 मीटर का 200 क्योंकि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 45 इसको लिखेंगे हम सेंटीमीटर आप समझ चुके होंगे कि 1 मीटर का यानी 100 सेंटीमीटर के 1 मीटर होता है तो इसी तरह हमने इसको सेंटीमीटर्स में जब हम लिखेंगे 2 मीटर हो गया 200 सेंटीमीटर 45 ये इसको ऐड करेंगे जब सेंटीमीटर में ले जाएंगे 245 सेंटीमीटर तो इसी तरह है अब इसको क्या लिखेंगे ये जावीर कितना आ गया 245 सेंटीमीटर 200 इसको हम यानी 2 कलर हम इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको पता चले इधर ही हम लिखेंगे कि कितना होगा कितना है 200 आ गया 200 मीटर आ गया 245 सेंटीमीटर तो इसी तरह आप समझ चुके होंगे कि अब इसके बाद आप खुद
ये यानी आप मैं आपको पूछूंगा आप मुझे बताओगे हाँ माइक पाल जो है लॉन्ग जंप इसने किया है 8 मीटर 8 मीटर तो 8 मीटर कितना आएगा 8 मीटर आ गया 100 सेंटीमीटर का 100 मीटर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर तो 8 मीटर हो गया 800 यानी सेंटीमीटर ये कितना आएगा 800 आ गया 95 ये सेंटीमीटर है ही है लिहाजा इसको हम लिखेंगे 800 895 cm सेंटीमीटर तो इसी तरह है स्टिफका के 2 मीटर कितने का हो गया 200 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर 209 cm सेंटीमीटर इसी तरह 7 हो गया 752 सेंटीमीटर तो इसी तरह चलिए इधर 217 सेंटीमीटर इसी तरह 808 सेंटीमीटर इसी तरह 191 सेंटीमीटर इसी तरह 683 सेंटीमीटर तो आप समझ चुके होंगे यानी 100 यानी इधर मैं फिर लिखूंगा यानी 100 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर तो इसी तरह 200 सेंटीमीटर बराबर होता है 2 मीटर 300 सेंटीमीटर बराबर होता है 3 मीटर 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर 500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर इसी तरह 6 का 6 सेंटीमीटर बराबर होता है 6 मीटर 7 सेंटीमीटर बराबर होता है 7 मीटर 8 सेंटीमीटर बराबर होता है 8 मीटर 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मीटर तो इसी तरह आप समझ चुके होंगे कि कितने यानी सेंटीमीटर्स और मीटर्स में किस तरह इसकी मैंने आपको वजाहत की आपको अगर समय नहीं आया आप कमेंट्स में लिख सकते हो आप मुझसे पूछ सकते हो बार बार आप इसको वीडियो को यानी बैक करके आप इसको देख सकते हो मुझे उम्मीद है आपको समझ नहीं आया होगा आज की वीडियो में इतना ही काफी है तो इसके आगे जो क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं इसी के ये हम दूसरे यानी वीडियो में हम करेंगे बाकी बस ना